मेरे दादाजी की डेथ हो गई है। दादाजी ने ये पेड़ मेरे पिताजी को संभाला और पिताजी ने मुझे संभाला और मैं इस पेड़ को अपने पोते को संभाल के जाऊंगा। तो अब ये देखिए जी, ये ट्रेडिशनल पहले जो है रॉयल का पेड़, रेड का पेड़ लगा था, फिर ये रॉयल में कन्वर्ट हुआ। रॉयल के बाद जो है जी, फिर हाई कलर स्टैन जो है, ये सुपर चीप जो एक लेटेस्ट वैरायटी चली है, इसमें वो कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो दायरा होगा मेरे हिसाब से ये 4 मीटर ऐसे होगा, 4 मीटर ऐसे ले लीजिए। हाइट तो हो सकता है कि मुझे इसके 15 मीटर भी होगी, क्योंकि आसमान तो खुला है, ये भगवान कुदरत की देन है, पेड़ को जितना ऊपर बढ़ाओ। ये जो गुच्छे आपके सेब के तने के पास से लगते हैं ना, दैट्स मार्वेलस। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है जी। ये इसमें पीछे तक देखिए जी, ऊपर को कितना सेब लगा है। मेरे हिसाब से इसमें 10 किलो के 50 निकलेंगे और मैं अंदाज मार करता हूँ कि कम से कम ये पेड़ मेरे को 75,000-80,000 रुपया देके जाएगा। और क्योंकि अभी 1500-1600 रुपये, तो आजकल भी शुरुआत 1800 रुपये टन केजी की हुई थी और अभी भी 1500 रुपये लगभग मेरा 10 केजी बिक रहा है। अगर ये 1400 रुपये भी बिकेगा तो मेरे को 60-70,000 रुपया ही आराम से मिलेगा। ये मैं दिखा रहा हूँ कि अंदर से उसके तने के पास से आके इसमें सेबों का जो आप देख रहे हैं, जिस ढंग से ये आया हुआ सेब, ये तना है, ये सेबों के गुच्छे जो देखने वाली बात है, अंदर जो देखने वाली बात है। पत्ते तो मुझे कम नज़र आ रहे हैं, सेब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये एक सोचने की बात है कि किसी ने टेक्नोलॉजी परफेक्ट की है। उसमें आ रहा हूँ जी बाहर। ओए ओए, अब आप यहाँ से देख लीजिए, ये तना है। अब मैं इसके बैक साइड में आया हूँ, तो ये आप देख लीजिए इसके, ये माय गॉड, ये साथ में मैं ये दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने कंपैरिजन के लिए वो भी लगाए हैं। ये ड्वार्फ फ्रूट वैरायटी है, मैंने ड्वार्फ की लगाई थी। और अब ये तो मैं, ये बच्चा है, बहुत बड़ी मस्ती, ये इसी का बच्चा है। हाँ। ये इसके साथ इसका ग्रैंडफादर देख लीजिए। अब ड्वार्फ वैरायटी एक साइंटिफिक बात है कि पुराने पेड़ जो हमारा सीडलिंग पर है, ये वर्टिकलिटी का पूरा फायदा उठाता है। वर्टिकलिटी से हम ऊपर को बढ़ सकते हैं। अब ये तना और ऐसा सेब देखने के लिए जरूर कोई ना कोई तरसेगा कि तने के पास इतने सेब लग सकते हैं। ये रामलाल जी ने करके दिखाया है कि सेब कैसे लगते हैं, ये तो कमाल की बात है। ये और ये लास्ट में फिर ये ड्वार्फ वाले की एक खासियत है कि वो जगह ज़्यादा गिरते हैं और प्रोडक्शनों से पर एरिया, जैसे हम कहते हैं कि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मेरा ख्याल ये प्रूव कर दिया उन्होंने कि ऐसा भी नहीं है। ये दूसरा पेड़ सामने दूर है,